हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज और राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल जी मौजूद हैं। मैम, आज अगर आप देखेंगे तो सदन में हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप पर, उसको लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसको कैसे देखें? मुझे ये लगता है कि न केवल सदन के लोग लेकिन सदन के बाहर के लोग भी, हर कोई व्यक्ति जो मध्यम वर्गीय है, गरीब है, जो अपना एक एक पैसा जमा के, पूंजी जमा के, अगर LIC हो या कोई अपनी पूंजी निवेश करता है और उसके बाद में अगर उनको लगता है कि कोई ग्रुप ले रहा है, तो उनको जो अपना भविष्य पर नज़र नहीं आता तो परेशानी तो है ही। तो उसके लिए हमें आवाज़ उठाने के लिए लोगों ने यहाँ भेजा है, तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए हमने। मैम, आप लोगों ने बताया जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आप लोगों ने नोटिस दिया था लेकिन उसके बावजूद भी चर्चा नहीं हुई, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये अभी हमेशा की उनकी दैट इज़ अ फॉर्मूला रहा है कि हम कितना भी नोटिसेस दे दें, लास्ट सेशन में भी हम हर रोज़ नोटिस देते रहे, हमारी आवाज़ दबाई जाती है, हमारा माइक ऑफ किया जाता है, हमें मूल्य नहीं दिया जाता। हम यही चाहते हैं कि ये है डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सबकी सुननी चाहिए। मोदी जी को हम आह्वान करते हैं कि हमारी भी सुनो, हम क्या बोल रहे, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम वो सुनो, उसके बाद में आप डिसीजन ले लो। मैम, अगर देखेंगे तो अडानी की तरफ से खुद एक वीडियो मैसेज जो है वो रिलीज़ किया गया है, उसके ऊपर आपका क्या कुछ है? नहीं, मुझे एक लगता है कि अडानी क्या बोलते हैं, इससे प्रत्यक्ष रूप में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं हर कोई चीज़ तो बेचते जा रहे हैं। 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या क्या किया, 70 साल में जो भी कुछ कांग्रेस ने किया उसको बेचने का काम तो ये ज़रूर कर रहे हैं, ये मैं हद बताना चाहता हूँ। अब जब सदन दोबारा शुरू होगा, 2 बजे के बाद कार्रवाई होगी, तो क्या तमाम जितने भी विपक्ष एकजुट हुए हैं, क्या आगे जो है आवाज़ उठाएंगे, क्या उसी बात पर दोबारा चर्चा करेंगे? इसको आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुमत के जोर पर ये हमारी आवाज़ दबाते हैं, तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने गुजरात पैटर्न बोलते हैं, वो गुजरात पैटर्न वो यहाँ पर लोकसभा में लगाना चाहते हैं। मैम, एक सवाल इससे हटके लेना चाहूँगा, भारत जोड़ो यात्रा का भी समापन हुआ है, कश्मीर में जिस तरीके से लोगों का उत्साह देखने को मिला, कश्मीर में जो राहुल गांधी ने तिरंगा भी फहराया, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने तंज भी कसा कि ये मोदी जी की सरकार है इसलिए यहाँ पर राहुल गांधी ने जो है तिरंगा फहरा दिया है, UPA की सरकार होती तो कभी नहीं कर पाती। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले झंडा लाल चौक पे हमारे पंडित नेहरू जी ने फहराया था 48 में, और उनके साथ उमर अब्दुल्ला के जो ग्रैंडफादर थे शेख अब्दुल्ला, वो थे, उन्होंने पहली बार फहराया था। और उसके बाद में हमेशा जम्मू कश्मीर का आना जाना सुरक्षित हो, चाहे वाजपेयी की गवर्नमेंट हो, नरसिंह राव की हो, इंदिरा जी को, इसके लिए उन्होंने कोशिश की है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब मैं गुलिस्तान से बोल रही हूँ, तो अगर कश्मीर की भूमि पे हम खड़े हो रहे हैं तो उसका पूरा श्रेय पंडित नेहरू को जाता है, उनकी वजह से कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा बन गया है और हम उसको साथ में लेके जा रहे हैं। अभी जीत भी मेरी और पट भी मेरी, ये BJP का हमेशा का कहना है। कुछ भी हुआ तो हमने कहा था आपको, हमने मना कर दिया था तो भी आप चले गए, तो भी राहुल जी चले गए, देखो हम अच्छे हैं इसलिए। तो ये होता नहीं राजनीति, हमेशा लोगों को आप फूल नहीं कर सकते, यू कांट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। मैम, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में निकली, 3,790 किलोमीटर के आसपास चली, खासकर अगर आप कश्मीर की बात करेंगे तो वहाँ पर अब बहुत जल्द जो है वो चुनाव हो सकते हैं, तो अगर चुनाव होंगे तो ये भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर दिखने वाला? बहुत बड़ा प्रभाव दिखने वाला है। आपने देखा होगा जब यहाँ टनल से राहुल जी निकले तो हमने बताया था सिक्योरिटी को 20,000 लोग आएंगे, उन्होंने हंस दिया और बोले, मुझे खुद बोला उन्हें कि 2-3 हज़ार लोग इस मौसम में 2-3 हज़ार लोग आएंगे, 3-3, 4-4 फीट बर्फ़ है। मैंने बोला सर नहीं, सब आएंगे, सब पहाड़ी पार करके 20,000 लोग आ गए और उनका पूरा कोलैप्स हो गया, सिक्योरिटी का सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। तो मुझे लगता है कि यही दर्शाता है कि किस तरह से राहुल जी को रिस्पॉन्स मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को रिस्पॉन्स मिलेगा। और जिस तरह से उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जी ने शिरकत की, जिस तरह महबूबा मुफ्ती उनकी बेटी ने 2 बार शिरकत की, मुझे लगता है एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा और BJP को हरा के उनको मात दे के एक अच्छी सरकार वहाँ पे आएगी। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और कश्मीर के इंचार्ज हैं रजनी पाटिल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत जोड़ो का यात्रा का जो असर है वो कहीं ना कहीं आगामी जो इलेक्शन होने वाला है जम्मू कश्मीर में, उस पर साफ तौर पर दिखाई देने वाला है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ JK 24/7 न्यूज़ दिल्ली।